क्वेश्चन नंबर थ्री बच्चों, ये सीरीज गिवन है, आपको इसका संपदा करना है। इसके लिए बच्चों आपको इस सीरीज का एनर टर्म फाइंड करना है। यहां भी आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक टर्म इस सीरीज की आप देख पा रहे हैं कि दो टर्म के साथ है। क्या एक तो भाई थ्री है, दूसरी वन स्क्वायर है, ऐसे आप देख पा रहे हैं फाइव है, फिर टू स्क्वायर है और ऐसे उससे आगे। आप देखिए यदि हम फर्स्ट टर्म के बारे में सोचें, जितने भी टर्म्स हैं उनकी फर्स्ट टर्म के बारे में सोचें तो क्या मिलता है बच्चों, थ्री फाइव सेवन। क्या ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? बिल्कुल है। वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, आप स्क्वायर सॉल्व करके सोचें कि कोई सिक्वेंस तो बन जाएगा। लेकिन बच्चों यहां एपी या जीपी नहीं बनेगा, इसके अलावा कुछ आपने पढ़ा नहीं है, है ना। तो पहले हम इस सीरीज का एनाटर फाइंड करेंगे और उसके बाद उसका एंट्रेंस तक सम फाइंड करेंगे। तो पहले बच्चों फाइंड कर लेते हैं एनट टर्म। टी एन इज इक्वल टू एनट टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म, है ना। तो ये जाएगा एनट टर्म ऑफ थ्री फाइव सेवन। एक तो बच्चों इसका एनट टर्म फाइंड कर लें, इन टू एनट टर्म ऑफ वन टू थ्री होल स्क्वायर। इस सीरीज का एनट टर्म फाइंड करने के लिए बच्चों आपको थ्री फाइव सेवन सिक्वेंस का एनट टर्म फाइंड करना पड़ेगा, जो कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और ऐसे ही वन टू थ्री का एनट टर्म फाइंड करना पड़ेगा और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आपको इस सीरीज का एनट टर्म मिल जाएगा। तो ये बच्चों आप देख पा रहे हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसका फर्स्ट टर्म है थ्री, तो हो जाएगा थ्री प्लस एन माइनस वन, डी है टू। ऐसे बच्चों आगे इंटू वन एन माइनस वन और डी, डी बच्चों यहां वन है, फर्स्ट टर्म वन है और डी भी वन है, होल पावर टू। इस तरह बड़ा बना लेते हैं, ये हो जाएगा थ्री टू एन माइनस टू और ये हो जाएगा बच्चों वन एन माइनस वन होल पावर टू। वन से वन कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा बच्चों टू एन प्लस वन एन स्क्वायर। समझ में आ रहा भाई, थ्री माइनस टू ये वही तो बचेगा, टू एन प्लस वन और ये सिर्फ एन बचा, वन से वन कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, तो हो जाएगा टू एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर। अब आप इस सीरीज का एन एटर्म फाइंड कर चुके हैं, क्या बच्चों टू एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर। एस एन चाहिए, तो एस एन पता करने के लिए आपको एस एन टी एन का मतलब एन टर्म का समेशन लेना है, टू एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर, समेशन टू एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर। अब आप इसे ऐसे लिख पाएंगे, ट्वाइस कॉन्स्टेंट बच्चों लग कर लिया करें, एन क्यूब सिग्मा एन स्क्वायर। इसके बाद सिग्मा एन क्यूब की बच्चों वैल्यू 2 आई इंटू सिग्मा एन क्यूब की वैल्यू एन एन प्लस वन अपॉन टू होल पावर टू प्लस सिग्मा एन स्क्वायर एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। इन दोनों में से बच्चों एन एन प्लस वन अपॉन टू कॉमन हो रहा तो कॉमन कर लीजिए, हो जाएगा एन एन प्लस वन अपॉन टू, यहां बचा टू एन एन प्लस वन अपॉन टू और यहां बचा बच्चों टू एन प्लस वन अपॉन थ्री, टू से टू कट गया। ओके, इसके बाद ये हो जाएगा बच्चों एन एन प्लस वन अपॉन टू, बच्चों एलसीएम लेंगे तो थ्री आ जाएगा, आइए कुछ ऐसा हो जाएगा थ्री एन एन प्लस वन और प्लस 2n प्लस वन। क्लियर हो पा रहा बच्चों को, भाई इसके अपॉन में तो 1 ही है तो 3 से मल्टीप्लाई होगी इसमें, है ना। इसके बाद आप इसे लिख पाएंगे ऐसे, एस एन इज इक्वल टू
n, n प्लस वन अपॉन टू, बच्चों ये हो जाएगा थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस टू एन और प्लस वन अपॉन थ्री। थ्री एन गलता है कि थ्री एन, थ्री एन स्क्वायर हो गए, थ्री एन टू एन और प्लस वन। इसके बाद आप इसे लिख पाएंगे एस एन इक्वल टू एस सॉरी एन एन प्लस वन अपॉन टू, ये हो जाएगा बच्चों थ्री एन स्क्वायर फाइव एन प्लस वन अपॉन थ्री। ये बच्चों फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो बस आपने यहां से लिखना है एस एन इक्वल टू हो जाएगा बच्चों वन अपॉन सिक्स टू इंटू थ्री एन एन प्लस वन और थ्री एन स्क्वायर प्लस फाइव एन प्लस वन, ये आपका आंसर।